आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप क्लास नाइन्थ के छात्र हैं, क्लास टेंथ, क्लास इलेवेंथ अथवा क्लास ट्वेल्थ के छात्र हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण कवियों, उनसे संबंधित रचनाओं और उन रचनाओं से संबंधित काल, युग यानी धारा, यानी किस युग की रचना है, किस काल की रचना है, यानी किस धारा की रचना है। तो आज का यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न 100% बनेगा, इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण कवि, उनसे संबंधित रचना और काल, युग यानी धारा। तो यहां देख सकते हैं पहले महत्वपूर्ण कवि हैं चंदबरदाई, और चंदबरदाई की महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो। चंदबरदाई की रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। और यह किस युग की रचना है, किस काल की रचना है? वीरगाथा काल की रचना है। वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। जानकारी के तौर पर आप जान लीजिए कि वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं जगनिक, और जगनिक की रचना का नाम क्या है? आल्हाखंड। जगनिक की रचना का नाम क्या है? आल्हाखंड। और यह रचना भी वीर गाथा काल की ही रचना है। किस काल की रचना है? वीर गाथा काल की ही रचना है, आप ध्यान दीजिएगा। और आल्हाखंड को परमाल रासो, क्या? परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि परमाल रासो किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा जगनिक। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं दादू दयाल, और दादू दयाल की रचना का नाम क्या है? अनभयवानी। अनभयवानी जो कि ज्ञान मार्गी संत काव्य है। और अगले महत्वपूर्ण कवि हैं कबीरदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां से जरूर पूछा जाता है, इनकी रचना से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। रचना कौन सी है इनकी? बीजक। और यह किस काल, युग यानी धारा की रचना है? ज्ञान मार्गी धारा की रचना है। और ज्ञान मार्गी के प्रमुख, यानी ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवि भी कहे जाते हैं कौन? कबीरदास। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी रचना कौन सी है? पद्मावत। अन्य इनकी रचनाएं हैं अखरावट और आखिरी कलाम। तो यहां पर यह जो रचना है किस काल, युग यानी धारा की रचना है? प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा से संबंधित यह रचना है। और अगले महत्वपूर्ण कवि हैं कुतुबन। कुतुबन की रचना का नाम क्या है? मृगावती। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती। और यह रचना भी प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा से संबंधित रचना है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं सूरदास। सूरदास जी की रचना का नाम क्या है? सूर सागर। और यह किस धारा की रचना है? कृष्ण काव्य धारा की रचना है। किस धारा की? कृष्ण काव्य धारा की रचना है। सूरदास जी की अन्य रचनाएं हैं सूर सारावली। सूर सारावली, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सूर सारावली और साहित्य लहरी। कभी कभी यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो यह सूरदास जी की रचना है। अगले रचनाकार यानी कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी की रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। और रामचरितमानस राम भक्त काव्य धारा से संबंधित रचना है। प्रश्न पूछा जाता है रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस की भाषा है अवधि। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तब उत्तर हो जाएगा अवधि भाषा। और गोस्वामी तुलसीदास से एक प्रश्न और बनता है कि इनकी एक रचना है कौन सी? विनय पत्रिका। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका।
और विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं। और प्रश्न आता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित रचना है। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और अगले महत्वपूर्ण कवि है केशवदास। केशवदास की रचना है रामचंद्र का। कभी कभी क्या होता है कि रामचंद्र का लिखा होता है और जल्दबाजी में आपसे सही की जगह गलत लिख जाता है, तुलसीदास लिख जाता है। यानी रामचंद्र का के लेखक कौन हो जाएंगे? केशवदास हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन में हम तुलसीदास भी लिख सकते हैं। इसलिए आप यह जो रचना है और इनके रचनाकार कौन है? केशवदास। रामचंद्र का के रचनाकार कौन है? केशवदास। इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। और यह रचना भी राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण कवि है भूषण। भूषण की रचना का नाम क्या है? शिवराज भूषण। और यह किस काल की रचना है? रीति काल की रचना है। शिवराज भूषण शिवाबावनी और छत्रसाल दशक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महाकवि भूषण की। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाकार यानी कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। माना जाता है कि बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। कितने? 719 दोहे हैं। और यह बिहारी लाल की एकमात्र रचना है, एकमात्र रचना है जिसे लिखकर बिहारी लाल रीतकाल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। बिहारी लाल रीतकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनकी रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे माने जाते हैं। और आपको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इनके प्रत्येक दोहे में इन्होंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। यानी बिहारी सतसई में जो दोहे हैं, प्रत्येक दोहे में इन्होंने कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास किया है। इसलिए कभी कभी प्रश्न बनता है कि रीतकाल के किस महाकवि ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है? तो उत्तर हो जाएगा बिहारी लाल। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं सिरधर पाठक। सिरधर पाठक की रचना कौन सी है? कश्मीर सुषमा। और यह रचना संबंधित है भारतेंदु युग से। किस युग से? भारतेंदु युग से संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनसे एक प्रश्न जरूर बनता है परीक्षा में कि हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इनकी रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी, जो कि भारतेंदु युग से ही संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं हरिओध। हरिओध का पूरा नाम क्या था? हरिओध का पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध इनका पूरा नाम था। और इनकी रचना कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। और यह द्विवेदी युग से संबंधित रचना है। यदि प्रश्न आ जाता है कि प्रिय प्रवास किस युग से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग से संबंधित है। तो इस वीडियो में मैं आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर प्रश्न बनेंगे, ये 100% गारंटी है। इसलिए आप इस वीडियो में बताई गई समस्त जानकारी को स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं अगले महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है साकेत, जिसे महाकाव्य भी कहा जाता है, जो कि द्विवेदी युग से ही संबंधित है। साकेत किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से संबंधित है। और यह मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी का जो महत्वपूर्ण रचना है
कामायनी और यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है और यह किस युग से संबंधित है? छायावाद युग से, यानी छायावादी युग से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी छायावाद युग से संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण कवयित्री कौन है यहाँ पर? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना का नाम यामा और यह रचना भी छायावाद युग से संबंधित है। एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, आधुनिक युग की मीरा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है और इनकी प्रमुख रचना है यामा, निहार, रश्मि, निर्जा। तो आप ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अपरा और यह छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित है। छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित है। यहां पर आप देख सकते हैं अगले महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है उर्वशी और यह संबंधित है प्रगतिवाद से। किस युग से? प्रगतिवाद से संबंधित है। और अगले महत्वपूर्ण कवि हैं अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वातशायन अज्ञेय था और इनकी रचना है आंगन के पार द्वार। इनकी रचना का नाम क्या है? आंगन के पार द्वार। यह संबंधित है प्रयोगवाद से। किस युग से संबंधित है? प्रयोगवाद से संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनकी रचना है कनुप्रिया। बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं और यह रचना भी प्रयोगवाद से ही संबंधित है। आप ध्यान दीजिएगा, अगले रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख और यह रचना किस युग से संबंधित है? यह नई कविता युग से संबंधित है। और अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर और इनकी रचना है धूप के धान। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है धूप के धान, यह संबंधित है नई कविता युग से। तो मैंने आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण कवि, उनसे संबंधित रचनाओं और उनसे संबंधित युग, यानी कौन सी रचना किस युग से संबंधित है, मैंने आपको महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानकारी दी है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे। और यह वीडियो मैंने आपको बता दिया है क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न 100% बनेगा। और अब अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं, क्लास 12th के छात्र हैं, तो बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आगामी जो समय है आपकी बोर्ड परीक्षाओं को नजदीक लाता जा रहा है। इसलिए आप अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।